इस ब्लॉक उठाना दिवस में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद बताया, और डीसी साहब ने एक डिसाइड किया है कि ब्लॉक दिवस और थाना दिवस जो है वो हम बनी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आना रोज रोज पॉसिबल नहीं होता। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ये काफी देर से ये दोनों सिलसिले चल रहे हैं। आज बनी के इस ब्लॉक दिवस में आए हुए डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे जी, हमारे यहाँ पे बीडीसी के चेयरमैन हैं, बहुत सारे सरपंचज हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, बड़े सीनियर सिटीजन हैं, और बाकी जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान आए हुए हैं, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है इस पब्लिक की मीटिंग में। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लास्ट टाइम मैं और राहुल यादव जी आए थे, हमने टीआरसी में इसी तरह की एक मीटिंग भी की थी, क्योंकि इकट्ठे आने से बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी अब हो जाती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ब्लॉक दिवस को जो पर्पस या जिस चीज के लिए क्रिएट किया है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का आमने सामने में वार्तालाप हो जाए, और बहुत सारी चीजें जो है लोगों के आमने सामने हो जाए, उनके पंचज हों, सरपंचज हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, पीआरआईज हों, बीडीसी के चेयरमैन हों, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हों, और वो अपनी बात रखें। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा इंस्टेंट रिजल्ट चीजों का मिलना चाहिए। जितने भी ब्लॉक दिवस होते हैं, और अभी पिछले 3 महीने से थाना दिवस भी शुरू हुए हैं, चीजों को बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत पहले कैसे कैसे काम होते थे, किस तरह से होते थे, सिस्टम कैसे चलता था। हम लोग 20-25 साल से पुलिस सर्विसेज में हैं, चेयरमैन साहब यहीं के हैं, हम लोग यहीं के हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। पिछले 5-10 सालों में चीजों की जो डेवलपमेंट की गति है वो भी अच्छी है। पीएमजीएसवाई की जो सड़कों की स्कीम थी वो 99 में स्टार्ट हुई थी। पहले शुरू हुआ था कि 1000 लोगों का जो गांव में वहां तक सड़क जाएगी, फिर 500, आज की डेट में 250 तक आ गई है। ये आप सब लोगों के सामने ही हुआ है सारा। तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को हम पर्सनल ग्रजेस, पॉलिटिकल फॉर्म या इस तरह से ना लें। ये जो मैडम जी आई थी यहाँ पे, मैं पिछले 1.5 साल से कठुआ में एसएसपी हूँ, शी हैज मेट मी वंस। मुझे लगता नहीं कि डीसी साहब को वो एक बार भी मिली है। ये को किसी अपनी पॉलिटिकल उसके लिए नैरेटिव के लिए भी चलाना चाहिए। और जहां पे आप आके जनरल स्पीच करते हैं, बहुत सारे लोगों को दुख होता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन इसी डेमोक्रेसी में बहुत कुछ हो भी रहा है। कुछ लोगों को ग्लास आधा दिखता है कि आधा खाली है, कुछ को दिखता है कि आधा भरा हुआ है। ये आपके माइंडसेट की बात है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। बहरहाल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 बातें करूंगा। एक तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे पुलिस के रिलेटेड का कोई मेजर इशू नहीं है। बनी, बिलावर, बसोली, मलार, एडजाइनिंग जो डुड्डू, बसंतगढ़, भद्रवा का जो एरिया है उसमें बहुत सारा टेररिज्म की एक्टिविटीज रही हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम लोगों ने देखा है। उस टाइम में लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर में आते थे, आप लोगों ने सब कुछ वो चीजें देखी है। यहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने 15 अगस्त को एक ऑर्डर किया है कि आपको विलेज डिफेंस कमेटी का रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। उन विलेज डिफेंस कमेटीज का रीस्ट्रक्चर किया जाएगा जिनके पेड बीडीसी हैं। पेड मतलब जो बीडीसी एसपीओ जिनके साथ थे, जो आजकल तनख्वाह नहीं बांटते हैं, उसके आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 7+1 का बनेगा, और एक बीडीसी मेंबर को 4,000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। ये आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो उनका रिंग लीडर होगा 7+1 का, उसको 4,500 मिलेगा। इस पे हम होमवर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी किया हुआ है। इसका जो पुलिस हेडक्वार्टर से बाकी का जो सिस्टम आएगा वो मैंने पहले ही एसडीपीओ साहब को और एसएचओ साहब को बता दिया है कि वो तैयारी करें, उस तर्ज पे हम इसको बनाएंगे, और इस एरिए की जो सिक्योरिटी का इश्यू है वो काफी हद तक सॉल्व भी हो जाएगा। किसी ने कहा कि एसटीएफ पोस्ट डुगेन में नहीं है, वहां पे बिल्डिंग नहीं है, उसका प्रपोजल चल रहा है, वो बन जाएगी जल्दी, वहां पे जगह भी है और हम लोगों ने प्रपोजल भी रखा हुआ है। आपका चाहे लवांग का एरिया है, डुगन का एरिया है, रोलका का एरिया, हर जगह पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में
वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे आपको उस पर नजर आएगी। इसके अलावा सर्थल में हमारी एक सबर पोस्ट लगती है कि जो नोमैड्स आपके यहाँ से चलते हैं, भद्रवाह की साइड भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, उसका भी एक सिस्टम जो है आगे जाके हम सर्थल में जब टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी। आप सब लोगों को मुबारक है कि बनी बसोली से बनी, बनी से भद्रवाह, भद्रवाह से पूरा एक्सेस बन के सिमटन टाप से कश्मीर के साथ ये जुड़ रहा है, उसकी नेशनल हाईवे का ऑर्डर भी हो गया और वो जल्द बनेगा भी। जब वो बनेगा तो आपका ये एक्सेस सारा डेवलप होगा, उसमें आपका छतरगला का एरिया है और बहुत सारे एरियाज भी हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की कि यहाँ पे टीचर्स नहीं है, मुझे लगता है डीसी साहब आपको बताएंगे, लेकिन आपके टीचर्स का रेशो क्या है हमारे भारतवर्ष में? 10 लोग, ये भारतवर्ष में पूरा 20-30 लोगों पे, बच्चों पे एक टीचर है। जम्मू कश्मीर में 10 बच्चों के लिए एक टीचर है, तो टीचर्स की कमी नहीं है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी पोस्टिंग की प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट देख रही है। बिजली पानी सड़क की प्रॉब्लम इसलिए रहेगी कि आपका घर पहाड़ी पे, आपने घर बना दिया, ना तो आपने वीडियो से घर बनाने की परमिशन ली, ना आपने किसी डिपार्टमेंट से पूछा, आपके पास पैसे थे, पहाड़ी पे घर बना दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए, ना मुझे बिजली मिल रही, ना मुझे पानी मिल रहा है। ऐसा होता है? हाथ खड़े करें कि कितने लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से परमिशन ली है कि हम घर बनाए, क्योंकि रूरल एरिया में तो वीडियो ही परमिशन देता ना, कोई नहीं लेता है। मुझे लगता नहीं है, आप ये ऑर्डर आया होगा ना, लेते हैं कब से? 2 साल पहले। तो ये बात बोल रहा हूँ ना कि नहीं लेते थे, जहां दिल किया वही घर बनाते। मैं भी भद्रवाह में गांव में रहता हूँ, मैंने भी अपने पुराने घर की कोई परमिशन नहीं ली है। ये बोलने की बातें, स्टेज पे आके कुछ बोलना करना पूछे, वो हमारी जात में नहीं है, वो हमारे करेक्टर में नहीं है। हमने कठुआ में अच्छी पुलिसिंग करने की कोशिश की है, मैं पुलिस पे ही फोकस करूंगा। आपके यहाँ पे बहुत सारे मर्डर केसेस होते थे, सस्पिशियस डेथ्स होती थी, पिछले 1.5 सालों में कम से कम भी 3 मर्डर केस हमने सॉल्व करके दिए हैं। उसमें मुल्जम को भी पकड़ा गया है, उनको सजा देने तक भी हम लेकर जाएंगे। जहां तक एसपीओज की बात है, जिनकी 18,000 रुपए तनख्वाह है, वो 10-10, 15-15 सालों से लिए थे, उनको रोटेशन में नीचे ले जाते हैं, मैंने वापस भी भेजे हैं और बाकियों को भी भेज दूंगा। वो लड़के सारे के सारे ऊपर आएंगे और यहां से रोटेशन में चलेगा, क्योंकि नीचे जो है हमारे पास कमी है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 150 कांस्टेबल्स की कमी है, 48 सब इंस्पेक्टर्स की कमी है, 2600 लोग काम करते हैं, उसमें से 1400 एसपीओज है। तो हमारे पास तो कोई जादू नहीं है सिस्टम के पास या किसी उसके पास। एम्बुलेंस की भी कमी रहेगी, डॉक्टर्स की भी कमी रहेगी। मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता इन सब चीजों का संज्ञान होगा। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने अपनी बात रखी, हमारी बात सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बनी आपका बहुत खूबसूरत इलाका है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में आप खुद कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जो सिस्टम बनेगा, जो चल रहा है, वो अच्छा ही होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय।